एक्सीलेंट इंग्लिश सुन। तो आज हम फिर मिलते हैं अपने प्रीपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है हमारी, हमारा प्रीपोजिशन का फिफ्थ पार्ट है, जिसमें हम यूज ऑफ को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टू और फॉर को कवर किया है, जिसको मैंने डिटेल से आपको डिस्क्राइब किया है। तो आज हम ऑफ का यूज पढ़ेंगे, और ऑफ का यूज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टू नाउन्स को ऐड करता है सब्जेक्ट में मोस्टली। ऑफ ऑफ का अर्थ होता है का की के। ये सेंस होता है इसका रियल सेंस, लेकिन इसका यूज कई जगह पर बिना का की के सेंस के किया जाता है। तो हम यहाँ आज यही कवर करेंगे कि बिना का की के पहले हम पढ़ेंगे का की के अर्थ में कहाँ यूज करते हैं, और इसके अलावा हम मोस्टली कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो ऑफ का यूज करेंगे वो ये है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का, किसी दूसरे के साथ संबंध व्यक्त करने के लिए। तो देखिए, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध व्यक्त करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे कि हमने कह दिया कि मेरी बहन की बेटी का बेटा, ये रिलेशन है। तो जो सजीव होता है, जो लिविंग पर्सन होते हैं, उसके लिए हम का की के लिए पजेसिव का यूज करते हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। तो देखिए, अगर हम कहें कि द सन ऑफ, यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे, माय सिस्टर्स डॉक्टर इज डॉक्टर। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मेरी बहन की बेटी का बेटा, तो बहन की बेटी का संबंध कैसे है, बेटी से। अब यहाँ पर बहन का संबंध बेटी से है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ क्योंकि सजीव के साथ होता है, लेकिन डबल पजेसिव का यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, ऑफ द सन ऑफ माय सिस्टर, इस तरह से। तो अगर हम कभी कभी सजीव के साथ भी, जैसे द हाउस डैश माय अंकल इज ब्यूटीफुल, ऐसा भी हम कभी कभी यूज कर देते हैं। मेरे अंकल का घर, घर किसका है, अंकल का, तो घर से संबंध किसका है, अंकल का, तो ऑफ का यूज यहाँ पर करेंगे। तो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति और वस्तु के साथ संबंध व्यक्त करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। तो ये हमारा का की के का संबंध वाला हो गया एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट रूल से हम देखेंगे इनके डिफरेंट सेंस में यूज। अब देखिए, किसी वस्तु के प्रति या किसी वस्तु से डरने के लिए, जैसे आई एम अफ्रेड डैश डॉग्स एंड कैट्स, मैं डॉग्स एंड कैट्स से, कुत्ते बिल्लियों से डरता हूँ। अफ्रेड होता है डरना। अब यहाँ पर सेंस आ रहा है उनसे डरता हूँ, से का सेंस आ रहा है, फ्रॉम मीन से होता है, आप सिंपली लगा देंगे तो यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु से डरने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है, यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका किसी वस्तु के प्रति डर व्यक्त करने के लिए ऑफ का यूज करेंगे। अब हम ऑफ का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए, ये गर्व रखने के लिए या घमंड दर्शाने के लिए,
कोई किसी पर गर्व रखता है, घमंड या गर्व, तो देखिए आई एम प्राउड, सुना ही होगा आपने, आई एम प्राउड माई सन, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, तो यहाँ पर प्राउड के साथ क्या आ जाएगा, ऑफ का यूज हो जाएगा प्राउड के साथ। तो ये हमारा डरने के लिए हो गया, ये गर्व या घमंड दर्शाने के लिए हो गया। अब हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, जिसमें है आपका थर्ड, किसी, फोर्थ है ये, किसी वस्तु से फायदा उठाने के लिए, किसी वस्तु से फायदा उठाने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ही अवेल्ड हिमसेल्फ, अब यहां पर डैश हो जाएगा दिस द अपॉर्चुनिटी, उसने इस अवसर का फायदा उठाया, यहाँ पर अवेल है और अवेल होता है फायदा उठाना, जहां अवेल आता है उसमें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है, ये सिंटैक्स का रूल है कि अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो ही अवेल हिमसेल्फ, इसके बाद आएगा ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो ये आपका हिमसेल्फ का यूज हो गया। अब हम चलती है नेक्स्ट पर, किसी वस्तु से जागरूक होने के लिए, जैसे बर्ड्स आ जाते हैं इसमें अवेयर, अवेयर आ जाता है, कौन सा आ जाता है, और अवेयर कॉन्शियस मोस्टली आता है, निश्चितता के लिए श्योर आएगा, तो देखिए अवेयर और कॉन्शियस ये होते हैं हमारे जागरूकता के वर्ड होते हैं, तो अवेयर के लिए हम एग्जांपल बनाएंगे आई एम अवेयर डैश हिज इंटेंशन, मैं उसके इरादे से जागरूक हूं, उसके इरादे से परिचित हूं, तो यहाँ पर इरादे से आ रहा है, हम फॉर नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे ऑफ लगाएंगे कि अवेयर ऑफ होता है, क्योंकि इसी तरह कॉन्शियस होता है सचेत, ऑलवेज बी कॉन्शियस, ऑलवेज बी कॉन्शियस ड्रेस फैटल डिसीज, हमेशा घातक बीमारियों से जागरूक रहो, सतर्क रहो, यहाँ पर भी से का अर्थ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हम क्या फिल करेंगे ऑफ का यूज करेंगे, तो ये हमारे हो गए किसी वस्तु से जागरूकता के लिए। अब निश्चितता दर्शाने के लिए, निश्चितता दर्शाने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है, जैसे श्योर, मैं किसी चीज के लिए श्योर हूं, तो आई एम श्योर दैट दिस थिंग, कुछ भी समझ लें हम, मैं इस चीज से जागरूक श्योर हूं, निश्चिंत हूं, तो यहाँ निश्चितता है तो श्योर के साथ ऑफ आ जाएगा। सर्टेन, ऐसे ही सर्टेन का आ जाएगा, ही इज सर्टेन ऑफ सर्टेन ऑफ हिज सक्सेस, एक वर्ड और आता है इसमें कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ही होता है विश्वस्त, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माय सक्सेस, इस तरह से मुझे मेरी सफलता पर विश्वास है, तो मुझे मेरी सफलता पर विश्वास है, तो ऑन नहीं लगा देंगे हम यहाँ पर, ऑफ लगेगा क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आता है, सर्टेन के साथ ऑफ आता है, तो ये हमारे निश्चितता शो करने वाले वर्ड हो गए। अब हम
नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। अब हम कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं जिनके साथ क्या क्या आता है। तो देखिए बोस्ट, ये होता है बोस्ट होता है सेकी बगारना, इसके साथ भी टू आता है। जैसे कि ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज डूइंग्स, वह हमेशा अपने कारनामे की सेकी बगारता है। टायर्ड के साथ ऑफ आता है, यहाँ पर टायर्ड मीन्स होता है उब जाना। आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ने से उब गया हूँ। फुल, फुल के साथ टू लिख रहे हैं, ऑफ का यूज पढ़ा। फुल के साथ ऑफ आता है, फुल ऑफ होता है भरा होना। दिस ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क। शॉर्ट होती है कमी, शॉर्ट के साथ भी ऑफ आता है। देयर इज शॉर्ट ऑफ मनी, तो यहाँ पर धन की कमी है, इस तरह से शॉर्ट के साथ ऑफ आता है। तो बोस्ट ऑफ, टायर्ड ऑफ, फुल ऑफ, शॉर्ट ऑफ, और मेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है जो मेड का आता है, मेड ऑफ। जब कोई वस्तु किसी धातु की बनी होती है, किसी दूसरी वस्तु से बनी होती है, निर्मित होती है, तो मेड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। तो ये हमारे ऑफ के यूजेस हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस है। अगर आपने इतने यूजेस पढ़ लिए ऑफ के, तो इससे बाहर आपको कहीं मिल नहीं सकते हैं। होते बहुत सारे यूजेस हैं, मैं पेपर के एग्जाम की बात कर रही हूँ। एग्जाम में जो आएंगे इन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड आएंगे, जिनका अर्थ आप निकालोगे तो कुछ अलग निकलेगा और वो फिल कर दोगे, जबकि वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके ये कुछ और होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा इम्पोर्टेंट पार्ट कवर कर रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।